गुड मॉर्निंग टू ऑल लास्ट क्लास में जो जितनी भी क्लासेज हुई हैं हमारी इस मोशन वाले चैप्टर में उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज ली बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं ये बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है मोशन का ये मकैनिक्स का ही एक पार्ट है फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मकैनिक्स उसी का पार्ट है उसी को हम स्टडी कर रहे हैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन स्टडी है वो आपकी एलिन्थ क्लास में आएगी और फर्दर क्लासेज में भी इसकी अलग से बुक चलती है मकैनिक्स की तो आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसमें हम मोशन की इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे मोशन की जो इक्वेशन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनको हम एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू किस तरीके से हम उनको फाइंड कर सकते हैं डेराइव कर सकते हैं ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी हम मान लेते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और वो मोशन कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है किसी टाइम टी किसी टाइम जीरो के ऊपर टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो टाइम के ऊपर फिर कुछ टाइम बाद में वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड करती हुई किसी दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाती है और उस केस में उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी और टाइम हो जाता है जो टाइम लिया है उसने ए पॉइंट तक पहुंचने में वो टाइम हो जाता है उसका टी अब इसी प्रोसेस को यूज़ में लेते हुए हम कुछ इक्वेशंस को फाइंड करेंगे जिसके अंदर ग्राफिकल जो मेथड के लिए हमने कुछ नूमेरिकल्स भी निकाल के देखे हैं ग्राफिकल मेथड्स के लिए हम, मैंने आपको काफ़ी सारे कंक्लूजन्स भी बताए हैं उन सारों सारे कंक्लूजन्स और न्यूमेरिकल्स uh, से जो एक्सपीरियंस हमें मिला है उससे हम ये सॉल्यूशन आज निकालेंगे ठीक है आपका टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड यह आपका टॉपिक है और इस टॉपिक को हम यहाँ पे शोल्व करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कंसीडर ए मोशन ऑफ ए बॉडी कोई बॉडी जो है वो मोशन कर रही है तो हमने स्टार्टिंग किया यहाँ पे कंसीडर कंसीडर द मोशन मोशन ऑफ ए बॉडी बॉडी मूविंग मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन विद स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग वेलोसिटी लेट द इनिशियल वेलोसिटी हमने माना इनिशियल वेलोसिटी लेट द इनिशियल वेलोसिटी ठीक है लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी ऑफ बॉडी बी यू और किस टाइम पे है ये एट टी इज इक्वल्स टू जीरो सेकंड के ऊपर ठीक है टाइम इतना है आपका अब और आगे चलते हैं और मानते हैं कि द बॉडी एक्सलरेट एक्सलरेट यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली ठीक है यूनिफॉर्मली है बॉडी एक्सलरेट जो है वो यूनिफॉर्मली है विद एन एक्सलेशन ए एक्सेलरेशन के साथ में ए के विद एन एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है हमारी बॉडी लेट द वेलोसिटी दोबारा से लेट द वेलोसिटी अब की बार फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी बी वी फाइनल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू टी सेकेंड के ऊपर ठीक है ये द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है हमें द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे द वेलोसिटी टाइम टाइम ग्राफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ सच ए बॉडी इसी तरीके की एक बॉडी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम ठीक है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ सच ए बॉडी विल बी विल बी ए स्ट्रेट ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर एक फिगर बनाएंगे ग्राफ का देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम लोग चलो यहाँ बना देता हूँ ये लीजिए इस तरीके से ये है आपका टाइम एक्सिस ठीक है और ये है हमारी वेलोसिटी एक्सिस ठीक है सबसे पहले ये टाइम ज़ीरो था तो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यू थी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू थी यहाँ पे ठीक है फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है और वो एक स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रही है ऐसे ठीक और बॉडी जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी बता दी वी हो गई इस केस में और टाइम कितना हो गया इस केस में टी हो गया ये लीजिए t टाइम हो गया इस तरीके से हमने इसको बना लिया ग्राफ को ठीक है ये हमारे पास में सिचुएशन निकल के आ गई है अब इस सिचुएशन में ये जो पॉइंट है इसको हमने ए मान लिया और ये जो पॉइंट है इसको हमने बी मान लिया ठीक अब देखिए ये बन गया है हमारा ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये ग्राफ बना हमारा ठीक है अब हम क्या करेंगे देखते जाइए अब हम सबसे पहले नंबर एक लगाएंगे ए ऑप्शन और इक्वेशन फाइंड करेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसका डेरिवेशन हम फाइंड करेंगे सबसे पहले ठीक है इसका डेरिवेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अक्सलेन को डिफाइन करेंगे ठीक है किसको डिफाइन करेंगे acceleration को तो यहां से देखिए एक्सलरेशन acceleration, acceleration is इज इक्वल्स टू एक्सलेशन time graph में जब एक्सलेशन निकालते हैं तो किसके थ्रू निकालते हैं जो स्ट्रेट लाइन हमें मिली है उसके स्लोप से एक्सलेन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी एबी लाइन का स्लोप निकाल देंगे तो हमारे पास अक्सलेशन आ जाएगा तो हमने लिखा इज़ इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी मैंने सारी चीजें आपको पहले से पढ़ा दी हैं ये अब उनका यूज कर रहे हैं हम लोग ठीक है अब देखिए स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल तो हमने इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया और इस पॉइंट को हमने मान लिया यहाँ पे M, M पॉइंट मान लिया और ये पॉइंट जो है इसको मान लिया हमने P पॉइंट ऐसे मान लिया अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो ये ये जो वर्टिकल लेंथ अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ फॉर्मूला होता है आपका स्लोप निकालने का इससे ही हम निकालेंगे तो ये वर्टिकल लेंथ है अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको हमने वी दिखाया है इसमें और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको हमने यू दिखाया है इसमें समझ रहे हैं ना आप ये यू है और ये पूरा वी है तो ये क्या होगा ये होगा बी एम अगर हम निकालें तो हम लिख सकते हैं स्लोप स्लोप के लिए फॉर्मूला तो ए इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी लाइन तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन को कैसे लिखेंगे आप बी एम वर्टिकल लेंथ अपॉन ए एम होरिजोनटल लेंथ लेकिन बी एम तो गिवन ही नहीं है हमारे पास तो क्या करेंगे बी पी गिवन है ये रही बी पी में से एम पी निकाल देंगे एम पी भी गिवन है ये रही तो क्या कर लेंगे आप यहां पे लिखेंगे सिंस बी एम इज इक्वल्स टू बी पी माइनस एम पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा बी एम इज इक्वल्स टू बी पी कितना है वी और एम पी कितना है यू V माइनस यू तो यहां से आप लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू इसकी जगह V माइनस यू अपॉन ए एम ए एम कितना है ये देखिए ये एम है और ये यहाँ से जीरो से लेके टी तक है तो ये कितना हो गया टी हो गया ए एम कितना हो गया टी के बराबर तो हमने इसको बता दिया यहाँ से वी माइनस यू अपॉन टी अब इसको सोल्व करेंगे टी को इधर ले आए तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू यू को भी इधर ले आए तो क्या बन जाएगा यू पॉजिटिव का हो जाएगा देन वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास ठीक है अब सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे कैसे निकालेंगे एक हाँ तो सेकंड जो इक्वेशन है देखिए अभी फर्स्ट जो इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने एक्सलरेशन फाइंड किया था और एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी और रियल में जो डेफिनेशन होती है उसमें भी यही एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस क्या आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सलेशन ये इक्वेशन हमारी आई तो हमने स्टार्टिंग में क्या फाइंड किया एक्सलेशन फाइंड किया तो हमारे पास में ये इक्वेशन आई और इससे हमारे पास इक्वेशन बनी v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई जिसमें हमने वेलोसिटी को फाइंड कर लिया है बॉडी की वेलोसिटी को फाइंड कर लिया है फाइनल वेलोसिटी को अब सेकेंड जो केस होगा सेकेंड जो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वेलोसिटी निकाल ली अब क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो नंबर टू डेरीवेशन डेरीवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मोशन इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे वेलोसिटी फाइंड कर चुके हैं एक्सेलरेशन फाइंड की किया उसकी फॉर्म में फिर हमें वेलोसिटी मिल गई फाइनल वेलोसिटी अब हम एक्सेलरेशन तो फाइंड हो चुका है वेलोसिटी फाइंड हो चुकी है अब हम उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे बॉडी का जिसको हमने सबसे पहले अज्यूम किया था तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए द डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट ठीक है ऑफ ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी इन टाइम टी इन द टाइम ऐसे लिख देता हूं इन टाइम टी इन टाइम टी टी टाइम में ठीक है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें तो वेलोसिटी ग्राफ में जब डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें जो ग्राफ है उस ग्राफ के थ्रू जो कवर्ड एरिया है उस कवर्ड एरिया को फाइंड कर लेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा और डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ में वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ से देखिए ये आपका ग्राफ बन रहा है यहाँ से यहाँ तक अब इस ग्राफ के थ्रू कवर्ड एरिया ये वाला एरिया कवर हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस ये देखिए ओ ए बी पी ओ ए बी पी एक ट्रेपेजियम बन गया है ये कवर्ड एरिया है ये कवर्ड एरिया हमें क्या बताएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन इन टाइम टी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम कौन सा ओ ए बी पी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी पी इसका एरिया हमें निकालना है और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल हमने निकाला था उसमें मैंने आपको बताया था तो इसको अगर डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करें तो एस इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स एल्टीट्यूड लिख देंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू टू एल्टीट्यूड ठीक है अब देखिए एस इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ़ समल साइड पैरल साइड कौन कौन सी हैं देखिए ओ ए ये और ये ये दोनों पैरल साइड हैं ओ ए और बी पी ये दोनों पैरल साइड हैं और ये कौन सी है ए एम ये इसका एल्टीट्यूड है इसमें ध्यान से देखिए ओ ए एंड बी पी पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की और एम इसका क्या है अल्टीट्यूड है ठीक है अब देखिए यहाँ से तो हम यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ पैरेलल साइड में ओ ए प्लस बी पी इंटू ओ पी इंटू ओ पी लिख दो चाहे ए एम लिख दो जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं दोनों सेम ही है ठीक है एस इज इक्वल्स टू हाफ ओ ए की वैल्यू कितनी है ओ ए ए की वैल्यू तो यू है तो यू लिख दिया प्लस बीपी की वैल्यू कितनी है बीपी बीपी की वैल्यू देखिए यहां से कितनी है वी है वी तो वी लिख दिया इन टू ओ पी ओ से पी की वैल्यू कितनी है टी तो टी लिख दिया इन टू टी ये बन गया अब देखिए बट वी इज इक्वल्स टू आप फाइंड कर चुके हैं यू प्लस ए टी ये वैल्यू होती है लास्ट जो डेरिवेशन आया था उसमें ये वैल्यू उठा के इस वी की जगह पुट करेंगे देन एस इज इक्वल्स टू हाफ और यहां से यू और प्लस यू प्लस ए टी वैल्यू डाल दी और इन टू टी अब इसको सोल्व करते जाएंगे एस इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यू और इसको लिख देंगे u प्लस यू प्लस ए टी और इंटू टी ऐसे लिख दिया अब ये टू यू हो गया एस इज इक्वल्स टू हाफ और यहाँ से हो गए टू यू प्लस ए टी और इन टू टी ठीक अब यहाँ से देखिए इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन एस इज इक्वल्स टू हाफ और यहाँ से इस टी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो टू यू टी और प्लस का ए टी स्क्वायर इस टी को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए टी स्क्वायर ये बन गया अब इस वन बाई टू को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन बाई टू इन टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया देन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो ये आपके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई क्या आ गई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं कोई दिक्कत है यहाँ तक देखिए ज़रा ध्यान से कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमने क्या किया है पूरी चीज़ मैंने आपको बताई पहले वाली इक्वेशन में हमने एक्सलेशन को फाइंड किया था उससे हमें वी मिला और इस वाली इक्वेशन में हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो ग्राफ ने जो एरिया कवर किया है वो एरिया निकाल देंगे और वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है और ऐस डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया तो हमने एरिया निकाल दिया और एरिया किसका था ट्रेपेजियम का तो उसका फॉर्मूला लगा दिया आंसर इस तरीके से हमारा निकल के आ गया है ये इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान में रखना है ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब हम थर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे इसको इरेज करके फिर फाइंड करते हैं थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में दोबारा से हम जो सेकंड इक्वेशन के लिए हमने जो यूज में लिया था फॉर्मेट उसी को यूज में लेंगे बस उसमें हमने सेकंड वाले इक्वेशन के लिए वी की वैल्यू डाली थी अब हम इसमें टी की वैल्यू डालेंगे तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे The displacement of the body, the displacement of the body is equals to area of trapezium trapezium OABP. इसका एरिया निकालेंगे तो इसको लिखेंगे हम एस इज इक्वल्स टू अब मैं कुछ नहीं समझाने वाला हूँ डायरेक्ट लिखूंगा एस इज इक्वल्स टू हाफ ओ ए प्लस बी पी इंटू ओ पी देन एस इज इक्वल्स टू हाफ यू प्लस वी इन टू टी ये आ गया देन एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे हाँ अब बट V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है देआर फोर ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू हो जाएगा एंड ए सॉरी एंड टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा ये जो टी की वैल्यू है इसको यहाँ पुट करना है आपको सो दैट सो दैट एस इज इक्वल्स टू हाफ यू प्लस वी और इंटू वी माइनस यू अपॉन ए ऐसे लिख दिया इसको ठीक है अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा एस इज इक्वल्स टू सोल्व करते हैं पहले इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप इसको हम लिख सकते हैं देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इन दोनों का भी वही होगा तो आप लिख सकते हैं वन बाई टू और यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए ये बन गया इनका अब इसको आप लिख सकते हैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ बना देता हूँ अब इसको आप क्या लिख सकते हैं एस इजिक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए इसको इधर ले आओ ठीक है इसको इधर ले आए तो क्या बना टू एस इजिकवल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको इधर ले आइए टू ए एस ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड नंबर की इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया ये आपका ग्राफिकल मेथड से हमने मोशन की तीनों इक्वेशंस को फाइंड किया है यूजिंग द ग्राफिकल मेथड और ये है हमारा उसका ग्राफ बना हुआ है ठीक है आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही तीनों इक्वेशन एक नए मेथड से एक सेकंड मेथड से भी फाइंड आउट करके दिखाऊंगा तब तक के लिए आप इसको रीड कीजिए और समझिए क्योंकि इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट उसमें यूज होंगे तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ थैंक यू हैवे नाइस डे